आपको लग रहा है ये बम धमाका कौन सा था? गुजारिश ये है इसके अंदर जो ये बम धमाका कह रहे हैं ना, ये किसी ने क्रैकर फेंका है। और मैं बारहा ये बात कह रहा हूँ कि ये कैंप जो है बगैर इजाज़त लगा हुआ था। अगर डिप्टी कमिश्नर साहब को इन्होंने कोई एप्लीकेशन दी होती तो लाइक वाइज हम लोग बाकायदा सिक्योरिटी डिप्लॉय करते हैं। इन्होंने चूँकि खुद बताया है कि जी हमने अपनी मर्ज़ी से लगाया हुआ था विदाउट एनी इंडिपेशन, तो ये यहाँ पे कोई क्रैकर चला गया। ये अल्लाह का शुक्र है कि कोई इसमें डैमेज नहीं हुआ, ना कोई नुकसान हुआ है जानी, ना कोई किसी का माली नुकसान हुआ है। अब इनको हमने यही रिक्वेस्ट की है कि आप प्रॉपर तरीके से डिप्टी कमिश्नर साहब को अप्लाई करें, उसके बाद हम आपको प्रॉपर सिक्योरिटी देंगे। अगर ये इन्होंने किया होता तो यहाँ भी सिक्योरिटी लगी होती जहाँ से क्रैकर आया, तो ये मसला ना होता। लेकिन खुदा का शुक्र है कि इसमें बचत हो गई है। इट्स जस्ट अ सिंपल क्रैकर बॉम्ब जो कि किसी ने कोई डैमेज नहीं किया किसी चीज़ को। तो सर पुलिस अभी क्या कार्रवाई करेंगे? लोग ले जाएंगे? नहीं, हम नहीं उखाड़ेंगे जी इस कैंप को। ये हमारा काम नहीं है कैंप उखाड़ना। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग टीम मौजूद है, वो आकर करेगी। एसी साहब खड़े हुए हैं, एसी साहब ने इनसे बात कर ली है। ये अपना कैंप खुद निकालेंगे, सुबह तशरीफ लाएंगे किसी ऑफिस में, वहाँ पर एप्लीकेशन देंगे, फौरी तौर पर वो मंजूर करते हैं। डीसी साहब की मर्जी है, जो हमें हुक्म आएगा हम इनको नफरी देंगे बकायदा, जैसे कि हमने बाकी जलसों में जलूसों में दी हुई है। अल्लाह का शुक्र है 20 दिनों से कैंपेन्स चल रही हैं, कहीं पे कुछ नहीं हुआ। लेकिन चूंकि इन्होंने हमसे कोई रब्ता नहीं किया, हमारे इलम में नहीं है कि यहाँ पे ये लगाया हुआ है। अगर पता होता तो हम बकायदा सिक्योरिटी दे देते हैं।